तो यार आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि ये जो हमारा बड़ा वाला टाटा ट्रक है, इसकी फाइट कराने के लिए दूसरे बहुत बड़े बड़े ट्रक्स के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ट्रक्स है। ये एक रेड कलर का ट्रांसपोर्टर ट्रक है, और भी ट्रक्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक हेवी ड्यूटी ट्रक है, इसका भी साइज आप देख सकते हो टाटा ट्रक जितना ही बड़ा है। यहाँ पे है टाटा का छोटा हाथी ट्रक, इसकी भी फाइट कराएंगे हमारे टाटा ट्रक के साथ। तो चलो गाइस फटाफट से करते हैं इन सभी की अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखेंगे आज कौन सा ट्रक जीतता है। लेट्स स्टार्ट। पिछली बार जब मैंने ये टाटा ट्रक को अनबॉक्स किया था और इसकी फाइट कराई थी, तो वहां पे इस टाटा ट्रक के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी थी। वो प्रॉब्लम अभी मैंने सॉल्व कर दी है। ये टाटा ट्रक अभी बहुत परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं गाइस। देखो गाइस, ये टाटा ट्रक काफी ज्यादा बड़े साइज का है, और ये पूरा का पूरा मेटल का भी बना हुआ है। यहाँ से पन्नी को हटा देते हैं, अब निकालते हैं यहाँ से हमारे टाटा ट्रक को। भाई साहब सच में बहुत ज्यादा वेट है यार इसका। के साथ हम लोगों को FS CT6B रिमोट दिया गया है ऊपर की तरफ, और बहुत सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पर ये कंट्रोल्स अभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं यार। अभी इसके अंदर बहुत सारी अपग्रेडेशन बाकी है। ये जो पीछे का शाफ्ट है, ये थोड़ा सा बेंड भी हो चुका था, अभी मैंने इसके अंदर मेटल का शाफ्ट यहाँ पे लगा दिया है। आने वाले दिनों में इस ट्रक के अंदर मैं और भी ज्यादा मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। जैसे कि इसकी जो बॉडी है, ऊपर एक छत भी मैं इसके ऊपर लगाने वाला हूँ, ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जा सके। इसकी ये जो बॉडी है कम्प्लीटली मेटल की बनी हुई है, इस वजह से इसका जो वेट है बहुत ज्यादा भारी भरकम हो चुका है। उसके अंदर व्हील्स आप देख सकते हो, सामने की तरफ 4 व्हील्स दिए गए, पीछे की तरफ 8 व्हील्स दिए गए। आने वाले दिनों में इसकी लोडिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मैं बीच में भी और 4 व्हील्स ट्रक के अंदर लगाने वाला हूं। आने वाले दिनों में इसके अंदर मैं मेटल की कैबिन भी लगाऊंगा, इस देखना तब ये ट्रक और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। चलो अभी ये हेवी ड्यूटी अमेरिकन ट्रक को अनबॉक्स करते हैं, आज देखेंगे इस क्या टाटा ट्रक ये अमेरिकन ट्रक के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं। तो ये ट्रक को मैं यहां से अनबॉक्स कर देता हूं। इस ट्रक को मैंने शायद 5000 रुपीज में खरीदा था, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहां से जाकर आप चाहे तो ये ट्रक को भी खरीद सकते हो। ये हैवी ड्यूटी ट्रक का रिमोट कंट्रोलर, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट मिलता है इसके साथ। यहाँ पे इसकी स्टीयरिंग है, ये इसका ट्रिगर है, बिल्कुल सिंपल सा रिमोट इसके अंदर देखने को मिल जाता है। गाइस हमारी अमेरिकन हेवी ड्यूटी ट्रक, ये ट्रक पूरा का पूरा प्लास्टिक का ही बना हुआ है। इसके व्हील्स रबर के बने हुए हैं। अगर इन दोनों को मैं साइड बाय साइड रखूं तो हमारा जो देसी टाटा ट्रक है इसके सामने बहुत ज्यादा बड़ा है, इससे डबल साइज का मेरे को लग रहा है। पीछे यहाँ पे डोर्स वगैरह भी दिए गए, पर हम इसको ओपन नहीं कर सकते हैं गाइस। सामने से इसका भी जो लुक है ना, बहुत ज्यादा मॉडर्न सा लुक दिया गया है। ढेर सारे व्हील्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। पीछे की तरफ 6 व्हील्स है, सेंटर में 4 व्हील्स है, सामने की तरफ 2 व्हील्स दिए गए हैं। ये ट्रक सिर्फ 2 व्हील ड्राइव पे ही चलता है। इसकी मोटर यहाँ पे लगाई गई है, यहाँ पे है इसका बैटरी कंपार्टमेंट। इसके अंदर कोई भी रिचार्जेबल बैटरी नहीं आती है, इसके अंदर हम लोगों को सेल्स डालने पड़ते हैं चलाने के लिए। तो ये ट्रांसपोर्टर ट्रक को मैं इसके साइड में रख देता हूँ। दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट उतनी है, और इसका कंटेनर भी देखो यार कितना ज्यादा बड़े साइज का है, और इसका जो कलर है ये मेरे को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इसके व्हील्स भी काफी ज्यादा बड़े हैं यार। इसका ये जो कंटेनर है हम लोग पूरी तरीके से यहाँ से अलग भी कर सकते हैं, और कंटेनर को इस तरह से ओपन करके इसके अंदर बहुत सारे गुड्स वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। अब देखो यार कितना ज्यादा बड़ा कंटेनर इसके अंदर दिया गया। ये चीज ये ट्रक के अंदर मेरे को काफी ज्यादा अमेजिंग लगती है। इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी आ जाती है यहाँ पे। ये ट्रक भी सिर्फ 2 व्हील ड्राइव है, पर इसकी पावर अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ट्रांसपोर्ट ट्रक का फ्लाई स्काई GT2 रिमोट काफी ज्यादा बड़े साइज का है। रिसेंटली अपग्रेड करने के बाद ये रिमोट मैंने इसके अंदर लगा दिया। तो अब टाटा का एक और ट्रक अनबॉक्स करते हैं। ये है छोटा हाथी ट्रक। मेरे पास दो छोटा हाथी ट्रक है गाइस, एक बहुत बड़े साइज का भी है, एक छोटे साइज का भी है। ये जो है बहुत ज्यादा बड़े साइज का छोटा हाथी ट्रक है, आप इसका साइज देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा है। इसको मैंने 7000 रुपीस में खरीदा था, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अमेजोन का, वहां से जाकर आप चाहे तो इसको भी खरीद सकते हो। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट मिलता है। इसके अंदर मैंने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं, जैसे कि नीचे ये जो शाफ्ट है पूरा का पूरा मेटल का डाल दिया है मैंने। इसकी मोटर भी रिसेंटली मैंने चेंज कर दी है। यहाँ पे है इसकी बैटरी, इसके साथ 7.4 वोल्ट की बैटरी दी गई है 500 mAh की। दोनों ट्रक्स को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। ये LPT 1210 ट्रक काफी ज्यादा बड़े साइज का है, पर दोनों की हाइट उतनी है और दोनों की जो विड्थ है उतनी ही दी गई है। जस्ट इसकी लेंथ इसके मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा मेरे को लग रही है। तो यार सभी ट्रक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया, आप क्लियर देख सकते हो सभी ट्रक्स कितने ज्यादा कमाल के दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं अभी बाहर, लेट्स गो एंड फाइट। मैं आ चुका हूँ बाहर, सभी ट्रक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। सबसे पहले टाटा 1210 LPT ट्रक को टच करके देखते हैं। ये ट्रक बहुत ज्यादा बड़े साइज का है, फिर भी देखो यार इसको चलाना, इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इजी है, और ये टर्न भी बहुत आराम से हो जाता है क्योंकि इसके सामने के 4 व्हील्स एक साथ टर्न हो जाते हैं। लुक्स की बात करूं तो बिल्कुल एक रियल टाटा ट्रक जैसा ही ये दिखाई देता है। अब हेवी ड्यूटी RC ट्रक को टच करके देखते हैं। ये ट्रक के अंदर बिल्कुल एक नॉर्मल रिमोट देखने को मिल जाता है। ये फॉरवर्ड तो बहुत बढ़िया तरीके से चल जाता है, पर
इसको जैसे ही मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो देखो यार इसका पीछे का कंटेनर एक तरफ टर्न हो रहा है, तो ये एक दिक्कत लगी मेरे को ये ट्रक के अंदर। बाकी की कंट्रोलिंग भी ठीक ठाक है दूसरे ट्रक्स के मुकाबले में। अब ये छोटा हाथी ट्रक को टेस्ट करके देखते हैं। जब से मैंने ये ट्रक के अंदर मॉडिफिकेशन की है और इसकी मोटर चेंज कर दी है ना यार, तब से इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ऊपर इसके अंदर एक गियर चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। अभी मैं इसको हाई स्पीड में चला रहा हूँ, देखो यार कैसे फर्राटे मारते हुए ये ट्रक चल रहा है और ये बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट भी कर सकता है। ब्रेक्स तो यार इसके एकदम मक्खन की तरह लग जाते हैं। अब मैं रेस कराने वाला हूँ ट्रांसपोर्टर ट्रक वर्सेस टाटा 1210 ट्रक के बीच में। देखते हैं दोनों में से कौन सा ट्रक जीत पाता है। यहाँ पे दोनों बिल्कुल साइड बाय साइड ही चल रहे हैं। अभी दोनों के अंदर मैंने जैसे ही फुल स्पीड बढ़ाई है धीरे धीरे करके टाटा ट्रक आगे निकल गया था, पर ट्रांसपोर्टर ट्रक तो इससे भी ज्यादा तेज निकला है। पर टाटा ट्रक ऑलमोस्ट अब देखो यार इसको टेक ओवर करने ही वाला है और इसने आसानी से टेक ओवर कर लिया है। अब यहाँ पे टाटा ट्रक बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़े जा रहा है। इसने तो यार पूरी तरीके से पीछे छोड़ दिया है ट्रांसपोर्टर ट्रक को और ये जीत चुका है रेस को। अब रेस कराते हैं हेवी ड्यूटी ट्रक वर्सेस टाटा 1210 एलबीडी ट्रक के बीच में। देखते हैं दोनों में से कौन जीता है। हेवी ड्यूटी ट्रक पहले तो बहुत ज्यादा आगे निकल गया था, पर टाटा ट्रक इससे भी ज्यादा स्पीड है, वापस से यहाँ पे जीत चुका है रेस में। अब रेस कराते हैं छोटा हाथी ट्रक वर्सेस टाटा ट्रक के बीच में। देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। फर्स्ट गियर में तो दोनों आसपास में ही चल रहे थे, जैसे ही मैंने सेकंड गियर डाला है छोटा हाथी के अंदर, देखो यार ये तो एकदम आगे निकल गया भाई। क्लियरली यहाँ पर छोटा हाथी जीत चुका है रेस को। अब आमने सामने वाली फाइट कराते हैं ट्रांसपोर्टर ट्रक वर्सेस टाटा ट्रक के बीच में। टाटा ट्रक ने इतनी जोर की टक्कर मारी है कि देखो ट्रांसपोर्टर ट्रक का पीछे का कंटेनर ही पूरी तरीके से टूट चुका है। यहाँ पे क्लियरली टाटा ट्रक जीत चुका है पुश बैक में। यार ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया। ये देखो टक्कर के कारण इसके अंदर कुछ तो टूटा है यार, इसकी मोटर तो घूम रही है पर ट्रक बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अभी मैं इसको रिपेयर कर देता हूँ फटाफट से। तो अब पुश बैक कराते हैं छोटा हाथी वर्सेस टाटा ट्रक के बीच में। देखते हैं दोनों में से कौन जीता है। टाटा ट्रक ने इतनी जोर की टक्कर मारी कि छोटा हाथी पूरी तरीके से पीछे हट गया था। यार यहाँ पे भी देख सकते हो टाटा ट्रक बहुत ज्यादा पावरफुल है, छोटा हाथी इसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा है। क्लियरली यहाँ पे भी टाटा ट्रक जीत चुका है। अब पुश बैक कराते हैं हेवी ड्यूटी ट्रक वर्सेस टाटा ट्रक के बीच में। ओ माय गॉड टाटा ट्रक ने इतनी जोर की टक्कर मारी है हेवी ड्यूटी ट्रक को। मेरे को तो लगा था कि यार इसका सामने का इंजन ही टूट जाएगा। यार ये टाटा ट्रक सच में बहुत ज्यादा हेवी पावरफुल है। ओके यार अब करते हैं वेट कैरी टेस्ट। यहाँ पे देखो तीन बॉटल्स मैंने ले ली है और इनके अंदर वाटर भी डाल दिया है। सबसे पहले हैवी ड्यूटी ट्रक को टेस्ट करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक बॉटल रख दी है। ये ट्रक तो यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा यार, सिर्फ इसकी मोटर घूम रही है पर ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब टाटा छोटा हाथी ट्रक को टेस्ट करके देखते हैं। इसके अंदर मैंने एक बॉटल रख के देखा है, ये ट्रक तो बहुत आराम से लेके जा रहा था यार इतना ज्यादा वेट। तो एक और बॉटल रख के देखते हैं गाइस। ये दूसरा बॉटल भी मैंने रख दिया है, देखते हैं अब ये चल पाता है या नहीं। इसकी भी मोटर घूम रही है पर ये बिल्कुल भी आगे मूव नहीं कर पा रहा है। ओके ये ट्रांसपोर्टर ट्रक को मैंने पूरी तरीके से ठीक कर दिया है। पहले एक बॉटल रख के देखते हैं प्रॉपर तरीके से ये चल रहा है यार, और इसकी स्पीड भी देखो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। अब एक काम करते हैं इसके ऊपर दो बॉटल्स रख देते हैं। यहाँ पे एक बॉटल रख दिया मैंने, ये एक और बॉटल रख दिया है। अभी भी देखो यार ये बहुत स्पीड से चल रहा है, इसकी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा गाइस इसकी मोटर इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये बहुत ज्यादा वेट भी लेके जा सकता है। अब टेस्ट करते हैं हमारे टाटा 1210 एलपीडी ट्रक को, देखते हैं ये ट्रक कितना ज्यादा वेट लेके जा पाएगा। इसके अंदर तो मैंने चार बॉटल्स रख दी है यार, इसके अंदर मैं और चार पांच बॉटल्स रख दूं ना तब भी ये चल सकता है। क्लियरली यहाँ पर विनर है ट्रांसपोर्टर ट्रक और टाटा ट्रक। सभी ट्रक्स को अभी मैं लेके ऑफ रोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे सबसे पहले टाटा ट्रक को चला के देखते हैं ये किस तरह से चल पाता है। पिछली बार जब मैंने इसको टेस्ट किया था तो ये ऑफ रोड में प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा था। अभी भी देखो यार सेम चीज मेरे को लग रही है, इसका शाफ्ट तो घूमता है पर इसके व्हील्स के अंदर पावर नहीं आ पा रही है। यही दिक्कत पिछली बार भी आई थी, फिर मैंने इसको अपग्रेड किया था, वापस से वही दिक्कत इसके अंदर मेरे को लग रही है। वापस से इसको मेरे को रिपेयर करना पड़ेगा यार। अब ये हैवी ड्यूटी ट्रक को टेस्ट करके देखते हैं। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस भी बहुत ज्यादा कम होने के कारण ये पत्थरों में फंस गया है। अब ये छोटा हाथी ट्रक को आगे देखते हैं। छोटा हाथी ट्रक की ग्राउंड क्लीयरेंस काफी ज्यादा है और इसकी मोटर भी काफी ज्यादा पावरफुल होने के कारण ऑफ रोड में ये सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से चलता है। तो यार आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये सभी ट्रक्स में से कौन सा ट्रक अच्छा लगा। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम है अशरफ, अनुज, दीक्षित, आर्यन, शिवम, पार्थ, जीशान, करण, अफसर, शजान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।